क्या हाल है दोस्तों। इंतजार आपका भी चल ही रहा होगा, हमारा भी चल रहा है इंतजार रहा कि अब तैयारियां हैं ऑटो एक्सपो 2018 की। कौन कौन सी गाड़ियां वहां देखने को मिलेगी, कौन कौन सी मोटरसाइकिलें, स्कूटर्स, नए कॉन्सेप्ट, एक्साइटिंग सवारियां, थोड़े से बोरिंग अपग्रेड, थोड़े से ओवर हाइप्ड सवारियां या लॉन्चेस, अनवेलिंग्स, और इसके अलावा कुछ चमकीली हैचबैक, फुर्तीली छोटी एसयूवीज, इन सबका हम इंतजार कर रहे हैं और आपके साथ हम भी कर रहे हैं और कोशिश वही रहेगी हमारी की लगातार उसके बारे में भी अपडेट देते रहे। लेकिन फिलहाल आज मैं आपके सामने आया क्योंकि जो हमारी पिछली स्टोरी है उसी के फॉलोअप के तौर पर, क्योंकि जब मैं पिछले वीडियो लाइव कर रहा था फेसबुक के ऊपर तो बड़े सारे सवाल आ रहे थे और उस वक्त जवाब मैं नहीं दे पाया, और वैसे ही सवाल हम देख रहे हैं कि और भी मेरे प्लेटफॉर्म पर अगर सवाल आ रहे हैं, तो मैं सोचा कि एक बार छोटा सा वीडियो एक बना दूं जिससे कि जो सवाल मुझे सबसे कॉमन लगा उसका जवाब या अपनी राय उसके बारे में दे सकूं। और वो सवाल ये था कि नई स्विफ्ट का मुकाबला क्या एलीट i20 से कैसा होगा या i20 से कैसा होगा, और उस सेगमेंट में या उन दोनों गाड़ियों के बीच चुनाव करें या ना करें। तो यहाँ पर दिलचस्प मामला ये है कि अगर हम उसे तकनीकी भाषा में कहें तो दोनों अलग अलग सेगमेंट में हैं, अलग अलग सेगमेंट की गाड़ी हैं, लेकिन तकनीकी भाषा का मतलब तब नहीं रहता जब हमारा एक हमारी खास बजट की गाड़ी लेने की इच्छा होती है और हम शोरूम में जाते हैं। हम तब ये नहीं बोलने जाते हैं कि हमें हैचबैक चाहिए, नॉचबैक चाहिए, सेमी नॉचबैक चाहिए, सेडान चाहिए, सब कॉम्पैक्ट, सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए। हम बस अपनी जरूरत, अपने बजट के हिसाब से गाड़ियों को या अपने पसंद के हिसाब से गाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो इस सवाल को भी मैं उस हिसाब से वाजिब मानता हूँ कि अगर आप स्विफ्ट को देख करिए, आपके मन में बहुत से दर्शकों के भी मन में चल रहा है कि i20 के साथ उसका मुकाबला कैसा रहेगा, तो यहाँ पर मैं जरूर बताऊं कि आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें, तकनीकी आंकड़ों के हिसाब से, तो स्विफ्ट से ज्यादा, हालांकि स्विफ्ट और बलिनो तकनीकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आपको आसपास ही नजर आएंगी, लेकिन यहाँ बाकी आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो फिर यहाँ बहुत कंपेरेबल मामला हो गया। एक तो इंजन के हिसाब से देखें तो वहां पर जो बलिनो और स्विफ्ट दोनों में ही आपको डीजल का विकल्प सेम मिलेगा, पेट्रोल का विकल्प सेम मिलेगा। इसके अलावा अब स्विफ्ट की जो खूबी हो गई उसमें आपको ऑटोमेटिक विकल्प भी मिल गया है, और जो फीचर्स आगे आपको मिल रहे हैं वो लगभग वो सभी फीचर्स मिल रहे हैं जो कि किसी प्रीमियम हैचबैक में, जैसे हम कहते हैं उस सेगमेंट की गाड़ी में होते हैं, तो वो सभी फीचर्स भी आ गए हैं। चाहे वो आप इंटरटेनमेंट सिस्टम को की बात करें, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, वॉइस रिकग्निशन, और साथ में सेफ्टी के स्टैंडर्ड भी अगर देखें तो डुअल एयरबैग्स और ABS EBD के साथ, तो ये सारी चीज़ें उसमें भी आ गई हैं। वहीं अगर हम बूट स्पेस देखें या लगेज स्पेस देखें तो थोड़ी जगह वहां पर बढ़ोतरी हुई है। तो यहां पर मैं अगर कहूं कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं बलिनो भी मान लें i20 और स्विफ्ट में, तो यहाँ जो क्राइटेरिया है चुनने का वो मेरे हिसाब से बॉयल डाउन करेगा 3 ही मुद्दों पर। एक तो कीमत के मामले में जाहिर सी बात है स्विफ्ट इन बाकी दोनों गाड़ियों से, बलिनो और i20 से, मैं बलिनो का जिक्र बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर हम उसी का कंपैरिजन करते हैं i20 के साथ, वही उस सेगमेंट की गाड़ी है और उससे भिड़ती है i20 से। लेकिन स्विफ्ट की अगर बात करें तो इन दोनों गाड़ियों से उसकी कीमत जो है वो कम है। वहीं जो मैं कहूंगा कि इस सेगमेंट में दूसरा जो मुद्दा खास तौर पर होता है स्पेस, पिछली सीट पर अगर स्पेस की बात करें तो फिर आपको बलिनो में ज्यादा जगह महसूस होगी, एलीट i20 में ज्यादा जगह महसूस होगी, वहां पर स्विफ्ट जो है इन दोनों कारों से आपको लगेगा कि हाँ ये छोटे वाले सेगमेंट की गाड़ी है, क्योंकि पिछले सीट पर आपको असल फर्क महसूस होगा, जो मुझे महसूस हुआ था। हो सकता है कि आप कुछ अलग फील करें, लेकिन ये मेरी राय है, मुझे लगा कि पिछली सीट पर आपको अंतर लगेगा कि बलिनो और i20 के मुकाबले ये थोड़े निचले सेगमेंट की है। और बाकी अगर आप चुनाव कर रहे हैं तो फिर मारुति और ह्यूंडई के बीच में आपको भी चुनना पड़ेगा अगर आप एलीट i20 या i20 और इसकी बात कर रहे हैं स्विफ्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन तीनों मुद्दों के ऊपर मुझे लगता है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पिछली वाली सीट जो है उस स्पेस को लेकर मुझे लगता है कि आप अगर आप ज्यादा जगह चाहते हैं पिछली सीट पर तो फिर आप i20 की तरफ जा सकते हैं। नहीं तो मुझे ये लग रहा है कि अभी तक के जो आंकड़े मुझे बता रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, उन सब के हिसाब से मुझे लग रहा है कि अपने से बड़े सेगमेंट से भी अच्छे से भिड़ रही है नई वाली स्विफ्ट। अब कीमत का इंतजार है तो ऑटो एक्सपो में उसकी कीमत का भी पता चल जाएगा, तब देखते हैं कि जो मौजूदा कीमत है उसी पर कंपनी टिकी रहती है या नहीं। तो फिलहाल इस छोटे से जिसे कहेंगे क्रिस्प तो नहीं होगा, वैसे छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश की आपके कुछ एक हमारे जो मित्र हैं उनके सवालों के जवाब देने की। इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज आते रहेंगे, झेलते रहिएगा।